हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिन, और साथ ही साथ इस दिन सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान और स्नेह के स्वरूप हैं, और हर धर्म में, हर परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान बताया गया है। तभी तो कहा गया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस दिन के शुभ अवसर पर गुरु पूजा का विधान आता है, और गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में हम जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, दादा दादी हों, या कोई भी स्कूल के टीचर्स हों, वो सभी हमारे गुरु हो जाते हैं। हमें उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा है, और इस दिन सभी लोग अपने अपने तरीके से गुरु को, अपने अपने गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु पूजन का दिन होता है, जो कि सालों सालों से चला जा रहा है, और आज भी हमारे देश में उतने ही धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। प्राचीन काल में क्यों मनाते थे गुरु पूर्णिमा? विद्यार्थी गुरु के आश्रम में बिना पैसों के भक्ति भाव से प्रेरित होकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, और गुरु का पूजन करके फिर इस दिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा देकर के कृतकृत्य करते थे। आज ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। आजकल तो मोटे मोटे पैसे देने पड़ते हैं स्कूल्स में, पर फिर भी परमात्मा को देख पाना संभव नहीं है, और गुरु के द्वारा ही आप परमात्मा तक पहुंचने का वो साधन है। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। शास्त्रों में जब हम बात करते हैं तो गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला मनुष्य ही गुरु कहा जाता है। पहले जमाने में आपको पता होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन एकलव्य ने अपनी अगाध श्रद्धा का प्रतीक बनकर के अपना अंगूठा अपने गुरु को देने में क्षण भर की देर भी नहीं की थी। इस प्रकार के लोग होते थे गुरु पूर्णिमा के दिन, और आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा आती है उस दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी के संदर्भ में ये अधिक प्रभावी भी लगता है, और इस साल 27 जुलाई 2018 को मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। अगर हम गुरु अर्थों को देखें तो पता चलता है कि आषाढ़ माह में आने वाली पूर्णिमा का किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इस दिन चारों ओर बादल बादल वर्षा का मौसम रहता है, और चंद्रमा के दर्शन तक नहीं होते, और इस बार तो खास ग्रहण भी है। और गुरु पूर्णिमा के इस बार चंद्र ग्रहण का साया पड़ने से ध्यान रखें, आधे दिन ही जो भी शिष्य हैं वो अपने गुरुजनों की पूजा कर सकेंगे, या आप सत्यनारायण की कथा करें या जो भी करें, आपको ध्यान रखना है सुबह से दोपहर 2 बजे तक ही सारे महोत्सव और पूजा पाठ मनाए जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी जो शिष्य हैं वो अपने अपने गुरुओं के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं होगा, और ग्रहण रात को 11:53 से शुरू होगा। 4 घंटे तक सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण आ रहा है, और रात को 3:49 तक ये ग्रहण रहने वाला है। ध्यान रखें, सूतक लगने के बाद मंदिरों के पट भी बंद हो जाएंगे, और सूतक आपका दोपहर को 2:53 पर लग जाएगा। दोस्तों, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, 27-28 जुलाई की बीच की रात को पड़ रहा है, और गुरु पूर्णिमा का पर्व इसके पहले, सूतक से पहले मनाया जाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जा रहा है। 104 साल के बाद ऐसा खूबसूरत चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और चंद्र ग्रहण के समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार की सुई, नकली चीजें आदि नहीं छूनी चाहिए। कोई एक नारियल वो गोद में लेकर के अपने बैठ जाएं, और किसी भी प्रकार का चंद्र दर्शन ना करें, भगवान का मन ही मन नाम जपते जाएं, ये उनके लिए लाभदायक होने वाला है। चंद्र ग्रहण सबको मालूम है, जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है और चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी रुक जाती है, तब हम इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, इसलिए सूतक काल के समय को भी अशुभ मनाया गया है, और ज्योतिष के अनुसार राहु केतु को अनिष्ट कारण ग्रह माना जाता है।
चंद्र ग्रहण जब होता है तो राहु और केतु की छाया सूर्य और चंद्रमा पर पड़ने लगती है और इसी वजह से माना जाता है किसी भी चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि हवा में विषैले कीटाणु घूमते रहते हैं। सोना नहीं चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण देख रहे हैं तो खाली आंखों से मत देखें। एक्सरे फिल्म्स या स्पेशल जो स्पेक्स आते हैं उनको लगा करके आपको देखना चाहिए और स्पेशली जो बच्चे और माँ होते हैं, गर्भवती महिलाएं होते हैं, उनको इस दौरान बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। बिना चंद्रमा के कैसी पूर्णिमा, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी हम इस दिन को मनाते हैं। चंद्रमा की चंचल किरणों के बिना पूर्णिमा का अर्थ रहता ही नहीं है, फिर भी जब हम इस पूर्णिमा का जिक्र करते हैं तो माना जाता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होता है जो पूर्ण प्रकाशमान होता है और शिष्य जो होते हैं वह आषाढ़ के बादलों की तरह होते हैं। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हुए हों और शिष्य सब तरह के हो सकते हैं, जन्मों के अंधेरे को लेकर आए हुए हो सकते हैं और ये अंधेरे बादलों की तरह होते हैं। इनमें जब गुरु चांद की तरह चमकता है तो उससे घिरा हुआ वातावरण अंधकार में भी प्रकाश कर बैठता है और इसीलिए गुरु पद की श्रेष्ठता होती है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व होता है। हम चाहे तो शरद पूर्णिमा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, फिर भी शरद पूर्णिमा ना मना करके गुरु पूर्णिमा के तौर पर इसी वजह से हम आषाढ़ की पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा आती है उस दिन तो अपने आप चांद पूरे जोर से चमकता है, लेकिन जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा होती है उस दिन चांद पहले बादलों को छाटता है, उसके बाद लोगों को दर्शन देता है। ये इशारा है कि दोनों का जहाँ मिलन हो, शिष्य का और गुरु का, इस वहीं कोई सार्थकता होती है, वहीं मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको भी अपने अपने गुरुओं को, चाहे वो आपके माता पिता हो, टीचर्स हो, कोई भी ऐसा मनुष्य हो आपके जीवन में जिससे आप कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा करने की भावना आपके अंदर आती है, उनको आपको मान सम्मान उस दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के दौरान आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक जगह पर रह करके ज्ञान की गंगा बहाते थे। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है और हर जगह वर्षा ही वर्षा, यात्रा आदि नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये 4 महीने अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने गए हैं। कहते हैं जैसे सूरज के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता मिलती है, फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, उसी तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। आपको मैं बता दूं एक बहुत ही खूबसूरत बात, हम महाभारत और गीता पाठ इतना सारा करते हैं लेकिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वापन व्यास का जन्मदिन भी होता है इस दिन और वे संस्कृत के प्रखंड महाविद्वान कहे जाते थे। चारों वेदों की रचना उन्होंने ही की है और इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है, उन्हें हम आदि गुरु कहते हैं और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और भक्ति काल के जो संत घीसादास थे उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था, वे कबीरदास जी के शिष्य माने जाते हैं। गुरु को हम ब्रह्मा कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को एक नया जन्म देता है और गुरु ही साक्षात महादेव होता है क्योंकि वो अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करता है। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक होता है, चाहे वो आध्यात्मिक शांति हो, धार्मिक ज्ञान हो, सांसारिक निर्वाह के लिए गुरु का निर्देश हो, सभी चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गुरु केवल टीचर ही नहीं होता बल्कि मनुष्य को जीवन के हर संकट से निकालने वाला एक सच्चा दोस्त भी होता है और मार्ग बताने वाला मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए आपके जीवन में भी जो भी आपके सच्चे गुरु हैं उनको आज के दिन आपको ज़रूर नमन करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये बताएं कि क्यों हम गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करते हैं और क्यों हमारे लिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत बहुत आवश्यक है। आज के दिन आपको एक काम ज़रूर करना है, जो भी आपके गुरु हो उनके आपके पास उनकी तस्वीर है तो आप उनकी तस्वीर को रखें और पूर्वमुखी होकर के अपने गुरु के सामने आप हाथ जोड़ करके बैठें। 10 मिनट का ध्यान इस दिन आपको गुरु के नाम का ज़रूर करना चाहिए, उनके सामने हो
हो सके तो उनकी फोटो आदि पर एक माला का अर्पण करें और फिर आप एक दीप जला करके ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। थोड़ा सा भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं और परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करें और इस प्रकार से इस दिन को आपको खूबसूरती से मनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, हाथ जोड़ करके गुरु से विनती करें कि हे गुरु, गुरुदेव, आप मुझे भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताइए और मेरे जीवन में जो भी अंधकार है उस अंधकार को मेरे जीवन से सदा के लिए दूर कर दीजिए। कर लीजिए दोस्तों, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की एंड जय गुरुदेव की।